नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपको टुडेज के हमारे इस न्यूज कार्यक्रम में। और आज हम फिर से हाजिर हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी नक्सलियों के हिट लिस्ट में शामिल, पीएम के झारखंड दौरे पर हाई अलर्ट हुई पुलिस। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कब बताया सीएम का मतलब कॉमन मैन और कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। पीएम मोदी के झारखंड दौरे को लेकर के मेडिकल टीम का गठन, 6 डॉक्टर रहेंगे मौजूद। रघुवर दास ने कहा नरेंद्र मोदी ने झारखंड की जनता से किया वादा, पूरा किया। झारखंड में एक और पारा शिक्षक कर्नल की हुई मौत, सीएम ने को बताया जिम्मेदार। बाबूलाल मरांडी ने कहा बिहारी सांसद और छत्तीसगढ़ी सीएम कर रहे हैं मंडल डैम की वकालत, नहीं होगा झारखंड को लाभ। सीएम ने कहा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से नहीं हटाए जाएंगे पुरुष कर्मी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा प्रधानमंत्री 5 जनवरी को रखेंगे आधारशिला, मंडल डैम से पलामू के किसानों को मिलेगा लाभ। रांची पुलिस ने कहा लालू यादव की जान को कोई खतरा नहीं। रांची में ई चालान सिस्टम लागू, ना तोड़े रेड सिग्नल, ऊपर वाला सब देख रहा है। तहिया राशि का समय पर हो भुगतान, स्वास्थ्य विभाग सचिव ने दिया आदेश। झारखंड में शिक्षा विभाग का नया फरमान, 6466 स्कूलों का होगा विलय। रांची में कंस्ट्रक्शन कंपनी के गार्ड की हत्या, 2 महिला ग्रामीणों ने साइट पर की थी तोड़ फोड़ और मारपीट। गढ़वा में पिकअप पलटने से 3 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। जमशेदपुर में फुटपाथ पर सोए लोगों को ट्रेलर ने रौंदा, 3 की मौत और 4 लोग घायल। सर्दी ढा रही सितम, धनबाद में अब तक ठंड से 10 लोगों की मौत। झारखंड में नए बिजली टैरिफ प्रस्ताव शुरू, होगी जन सुनवाई। विश्व शौचालय दिवस प्रतियोगिता में हजारीबाग का देश में 4th स्थान, सीएम ने दिया बधाई। अब सम्मानित होंगे झारखंड आंदोलन के इस गुप्त नाम भी। राज्य में सर्दी का सितम, अगले आदेश तक 1 से 5 तक की नहीं लगेंगी कक्षाएं। तो ये थी झारखंड राज्य से जुड़ी हुई 20 बेहद ही अहम खबरें। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहे हमारे न्यूज़ चैनल, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।